हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा और इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होगा, और अगर आप ये जानना चाहती कि इनका थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी अच्छा होता है, बुरा होता है, जो कुछ भी होने के बाद ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप कैसा रखेंगे, तो इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे। कोशिश की थी गाइज मैंने छोटे छोटे वीडियो डालूँ, बट मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी। मुझे भी खुद एक टॉपिक के साथ मैं स्टार्ट करूँ तो उसको थोड़ा अच्छे से ही मैं एंड करूँ। मुझे खुद भी ऐसा ही काम पसंद है। तो चलिए, अब किसी की कंप्लेन है, डिटेल वीडियो है तो भाई आपको तो ये करनी पड़ेगी, डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा थोड़ा काम करने का तजुर्बा ऐसा है। और क्या है ना गाइज़, टाइट इतना शेड्यूल है, उन लोगों के लिए मैं सॉरी मांगती हूँ कि जिनके आज रीडिंग थे मैं नहीं दे पाई। और क्या है ना, 2 दिन में सिर्फ 1.5 या 2 घंटे में सोई हूँ, नींद ही नहीं हो रही, इतना अब शेड्यूल टाइट हो गया है। तो गाइस रीडिंग आपको, आप सभी लोगों को रीडिंग मिलेगी। हाँ, तो फिर मैं इतना चांफुल कैसे रहती हूँ, ये बात है ना। थोड़ा योग निद्रा करके देखिए, आपको समझ जाएगा। योग निद्रा 1 घंटे का ही कर लो, आपको पूरे दिन का टॉनिक मिल जाएगा। तो बहुत पावरफुल सोल्यूशन है, मेरी अच्छी रेमेडी है। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ये होता है, तो नींद की समस्या आती है, तो योग निद्रा ले लेती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ नहीं होता है तो मेडिटेशन का एक ये एक फॉर्म है, अनापना, आप उसको भी कर सकते हैं। मीन्स सांस को लेना है, उसको बाहर छोड़ना है, और सांस को हमें ऑब्जर्व करना है, किस नोज के किस पार्ट से अंदर आती है, वार्म एयर आती है, किस ओर से छोड़ते हैं तो कोल्ड एयर वहाँ से जाती है। इसको ऑब्जर्व करो, वही भी वो वैसे भी आपको अच्छी नींद आ जाएगी। या फिर अपने बॉडी पार्ट को स्कैन करो, खुद ही आँखें से सो जाइए, आपको सोना है, और अपने हर बॉडी पार्ट को देखना है और उसको एज्यूम करना है कि वो हर बॉडी पार्ट डिवाइन एनर्जी से क्लियर हो रहा है, उसके सारे ब्लॉकेजेस हट गए, तो उसको बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन भी कहते हैं। या तो ये करो जब आपको लगता है कि आपके पास कोई पर्याय नहीं है, टाइम बहुत कम है और रेस्ट तो नहीं हुई, काम तो पड़े हैं, तो योग निद्रा सबसे अच्छा फॉर्मूला, योग निद्रा। तो देखिए, टॉपिक तो ये मैंने ले ली है, अब मैं सीधा रीडिंग के ऊपर जाऊंगी क्योंकि बहुत हो गई मेरी बड़बड़ जो मैं अक्सर करती रहती हूँ, क्योंकि अच्छा होता है बातें करो, करना अच्छा होता है। मुझे ये जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल घुमेजे से बैठते, बात ही नहीं करते, सवाल आता है भाई रहते कैसे लोग। हालांकि शांत रहना मुझे अच्छा लगता है, बट अगर मैं किसी बात पे बात करूं तो फिर मुझे बहुत बोलना अच्छा लगता है। तो चलिए जानते हैं, रीडिंग के ऊपर जाते हैं। और गाइज मैं 13, 14, 15 मैं शायद नहीं रहूँगी, और जिनकी बुकिंग है अगर कोई लेना चाहता है तो ये 13 के पहले ले लें, क्योंकि उसके बाद में फिर 3 डे नहीं हूँ। बट जिनकी रीडिंग बुक है उनके तो रीडिंग में देख ही जाऊँगी, ऐसा किसी का नहीं रखूँगी, बाहर गई तो वहाँ से दूँगी बट दूँगी, तो मैं नहीं हूँ 3 दिन। कोशिश मैं करूँगी फिर भी वीडियो अपलोड करने की। तो चलिए करते हैं कॉल आर्कएंजेल माइकल को। आर्कएंजेल माइकल 13 को जाऊंगी तो शायद वीडियो डाल के जाऊंगी, 14 की थोड़ी समस्या हो सकती है, 14 को आपको वीडियो ना मिले, 14 एंड 15 को थोड़ी समस्या हो सकती है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजेल माइकल को। आर्कएंजेल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं तो इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज ब्लेस मी। जजमेंट, कर्मा मिला है भाई, यहाँ पे कर्मा गेम चल रहा है। क्या चल रहा है गेम जमा कर थर्ड पार्टी और उनके पसंद के बीच क्या चल रहा है। कर्मा मिला है यहाँ पे, ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, जस्टिस मिला है आपको, हम
अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेना चाहते हैं ना, तो हो सकता है या तो प्रोसेस आगे बढ़ी है, नहीं तो आपके पर्सन में डिवोर्स को लेकर उन दोनों में बातें चल रही है। किंग ऑफ कप, किंग कमिटमेंट से भाग रहा है, किंग प्यार से भाग रहा है, किंग कमिटमेंट से भाग रहा है, डेथ। थ्री ऑफ सोर्स उछल के आया, जैसे कि मैसेज ही देना था जी। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, बट उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यू बड़े चल रहे हैं, जिसकी वजह से झगड़े चल रहे हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है बात डिवोर्स तक आ गई। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। और टू ऑफ सोर्स, वहाँ पे कोई भी डिसीजन तय नहीं है, कोई भी चीज़ें वहाँ पे सेटल नहीं है। बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको, आपके पर्सन ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। हो सकता है आपने कभी आपके पर्सन को ये बताया हो कि थर्ड पार्टी ट्रस्टवर्दी नहीं है, और आप थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करके बहुत गलत कर रहे, बहुत कुछ आपने आपके पर्सन के आँखें खुलने की कोशिश की थी, बट उस वक्त आपके पर्सन ने आप पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने थर्ड पार्टी पर भरोसा किया, और ठीक उसी का जजमेंट आपके पर्सन को मिल गया है, कर्मा मिल गया है। यहाँ पे दोनों में डिवोर्स वाली बात चल रही है, और ऑलरेडी अगर डिवोर्स की बात चल रही थी तो प्रोसेस थोड़ी आगे बढ़ गई है। प्यार तो रहा नहीं है वहाँ पे, किंग ऑफ कप रिवर्स था तो वहाँ पे प्यार तो रहा नहीं है, प्यार सब खत्म हो गया है, क्योंकि आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। उन्होंने आपके पर्सन ने अपने ओर से रिश्ता ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपके पर्सन हार्ट ब्रेक के कारण घायल है, आहत है, बहुत हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आपके पर्सन बैठे हैं। आपके पर्सन का दिल टूट गया है भाई, और इनके ऊपर ना डबल ग्रजेस हो रहा है जी। झगड़े, जिन्होंने आप दोनों में झगड़े लगाए थे, उनके साथ कर्मा यूनिवर्स ने कर दिया है, उनके भी रिलेशनशिप में ठीक वैसे ही झगड़े चल रहे हैं। आपके पर्सन के ऊपर डबल क्या होगा ना, कि एक तो इन्होंने आपको छोड़ा, और आपने इनको सच बताया था, उन्होंने उस सच को इग्नोर करके थर्ड पर्सन के ऊपर भरोसा किया, और थर्ड पर्सन एग्जैक्टली वैसे निकली जैसा आपने आपके पर्सन को या तो बताया हो, नहीं तो आपके पर्सन को पहले चीज़ें पता थी, बट इन्होंने यकीन नहीं किया था, और आपके पर्सन का भरोसा थर्ड पर्सन इस तरीके से तोड़ा है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। नाइन ऑफ पैंट्स क्यों है, नाइन ऑफ पैंट्स को क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे मून। बातें बहुत हिडन एंड सीक्रेटली रखी थी थर्ड पार्टी ने, आपके पर्सन से काफ़ी सीक्रेट, काफ़ी भेद छिपा के रखे थे, बट आपके पर्सन को ये चीज़ें पता चल गई है, और इसीलिए आपके पर्सन को अब थर्ड पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। इसके लेकर बहुत सारे झगड़े भी हो रहे हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। फाइव ऑफ कप क्यों है, फाइव ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप। मैंने वही फाइव ऑफ कप का रेफरेंस मैंने इसी किंग से लिया था। देखिए ये पर्सन आपसे जो इन्होंने आपने जो इनको प्यार दिया था ना, उसको मिस कर रही है पर्सन। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से जो प्यार आपके पर्सन को कर रहे थे ना, वो एक्सपेक्ट किया हो शायद। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा ही जैसा आपके पर्सन को दिया है कि जैसे उसको आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा केयर है, वो बहुत ख्याल रखती है, आपके खिलाफ कुछ गलत बातें बता दी, आप दोनों में झगड़ा लगा दिया। अगर आप मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी ऐसे ही उल्टे सीधे गेम कर आपके पर्सन के लाइफ में घुसी, और उसने आपके पर्सन के खिलाफ बहुत कुछ बातें कर दी। नतीजा ये निकला कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, जबकि आप 100% सच थे। इन्होंने आपको छोड़कर चले गए, और वहाँ जाने के बाद जो चीज़ें थर्ड पार्टी जिस तरीके से एक्सपोज हुई आपके पर्सन के सामने, आपके पर्सन ने वहाँ तो उनके झगड़े चल रहे, इनको इन्होंने रिलेशनशिप अपने ओर से एंड भी कर दिया है, बट इस वक्त आपके पर्सन को किसी के प्यार की ज़रूरत है, किसी के प्यार के सहारे की ज़रूरत है, और इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं जस्टिस की बात क्यों आई है, और क्यों जमाइकल प्रिस्टल में वाई जस्टिस इज हियर जी। टेन ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ सोर्स, बहुत डेंजर, हार्ट ब्रेक, धोखा, बिटर आप उन दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है। रोन कर आप थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बिल्कुल ऐसे कुचला है ना, कि इनका पूरा कुचुम्बर निकल गया वहाँ से, सीधी बात डिवोर्स तक आ गई, उनको बस उस रिश्ते से भागना है। नेट ऑफ सोर्स के एनर्जी को क्लियरिफाई करें एंजल।
नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई कर रहा है, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप। देखिए यहाँ पे बात जस्टिस की बात आती है, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स को आपके पर्सन ने हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप आपसे छुपा कर रखा हो, और या इन्होंने आपके साथ चीटिंग की, ठीक वैसा धोखा आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने दिया है। प्यार के नाम पर आपके पर्सन के सामने आपके पर्सन के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। आपके पर्सन समझ गए ये बात, अब इस चीटिंग को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाले, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई करें जब, किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, जी प्यार व्यार सब कुछ खत्म है, वहाँ पे भी कोल्ड शोल्डर का गेम चल रहा है, एक साथ ही रह रहे तो बात ही तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा खास अच्छी नहीं हो रही। थर्ड पार्टी शायद दिखाने के लिए कुछ और दिखा रही सोशल स्टेटस पे कि आपको ऐसा दिख कर लगता है कि नहीं उन दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, बंद कमरे की स्टोरी ये है, मैं आपको बता रही हूँ, उन दोनों में कोल्ड शोल्डर गेम चल रहा है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है दोनों का, तो दोनों ने या फिर आपके पर्सन ने ब्लॉक किया है, वहाँ पर कोई प्यार नहीं बचा। चैरियट की एनर्जी क्यों है एंजल, चैरियट की एनर्जी यहाँ पे हेरोफेंट, अगर आपके साथ ट्रेडिशनल मैनेजर पे है तो ये पर्सन वहाँ से भागकर सीधा आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन अपने मैरिज से भागना चाहता है क्योंकि वो इस रिश्ते को एंड करना चाहता है। आपके साथ मैरिड है, आपके पास आना चाहते हैं, मेजर शिफ्ट दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की ओर से जो धोखा खाया है उसको ये पर्सन क्या बोलते हैं उसको, उस हार्ट ब्रेक को, उस चीज़ को पीछे छोड़कर आपके साथ नया रिश्ता ये पर्सन डेवलप करना चाहते हैं। अगर किसी की फैमिली यहाँ पे अपोज कर रही तो उस फैमिली को छोड़ते हुए ये पर्सन आपके पास आ रहे, क्योंकि शायद इनकी अगर फैमिली थर्ड पार्टी का रोल कर रही है तो आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का रियल नेचर या फिर हिडन ट्रुथ समझ में आ गया है, और तब आपके पर्सन को समझ में आ रही कि इन लोगों ने आप दोनों के रिश्ते को बस एक ब्रेकअप करना है था, इनको रिश्ता नहीं चाहिए था, इसीलिए आप दोनों में इतने झगड़े लगवाए और आप दोनों का रिश्ता एंड करवाया। बट आपके पर्सन इस धोखे को, इन चीज़ों को समझ कर ये पर्सन उस फैमिली से बाहर आकर आपके पास आना चाहते हैं। डेथ कहना चाहिए, डेथ की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है जी, डेफिनेटली 200% बोलूंगी भाई, यहाँ पे अब कर्मा जो मैं अब कर्मा को मैं जोड़ रही हूँ, आपके पर्सन के लाइफ में जो भी महिला है, जो भी पुरुष है, उन्होंने किसी प्रैक्टिशनर से आप दोनों के रिश्ते को एंड करने के लिए स्पेल करवाए थे, ब्लैक मैजिक स्पेल, वो भी हैवी स्पेल, वो भी किसी प्रैक्टिशनर से बहुत स्ट्रॉन्ग करवाए थे, और इसी का रिजल्ट ये हुआ कि आपके पर्सन आपसे धोखा करके, आपको चीट करके, टेन ऑफ सोर्ड्स के नज़र आपको देखकर धोखा बीटल, एक सुसाइडल वाली थॉट इस तरीके से आपको निकाल के फेंका लाइफ से, जैसे दूसरे कोई मक्खी को निकालता है। यहाँ तक आपके पर्सन ने आपके साथ किया क्योंकि उसको करने के लिए आपके पर्सन के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल थर्ड पार्टी ने करवाया था, वही कर्मा थर्ड पार्टी खुद पे कर रही है, क्योंकि वही चीज़ें अब रिपीट हो रही है, बट वहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर बदल गया है, जो पहले कैरेक्टर आप थे अब वो कैरेक्टर थर्ड पार्टी का है। दूसरा मैसेज ये मुझे आ रहा है कि आपके पर्सन समझ गए हैं इंटीट्यूली कि थर्ड पार्टी कितनी टॉक्सिक है, थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ही हैवी है और बहुत ही निगेटिव नार्सिसिस्टिक एनर्जी है। थर्ड पार्टी का रियल फेस आपके पर्सन के सामने आने से आपके पर्सन ने उस रिश्ते को एंड कर दिया है। थ्री ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए, हाँ जी, अब आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली काफी सारे ऑप्शंस थे और थर्ड पार्टी का सबसे आसान काम था आपके पर्सन को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना, आपके पर्सन को कंफ्यूज करना। आपके पर्सन के आंखों पर भी थर्ड पार्टी के प्यार की पट्टी थी, अब ये पट्टी उतर चुकी है क्योंकि थर्ड पार्टी का रियल फेस आपके पर्सन के सामने आ चुका है। बहुत सारे ऑप्शन थर्ड पार्टी ने रखे थे लाइफ में और आपके पर्सन अब ये ऑप्शन में जगलिंग करते हुए नहीं रहना चाहते। ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको क्योंकि एक कोई डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पे आपको लेकर डिसीजन लिया जा रहा है, और ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं कि जिस नोट पर आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था, रिश्ते का वो नोट कभी ख़त्म ना हो, उसकी अभी भी ओपनिंग जारी है। मीन्स उनका आने का रास्ता अभी भी आपके लाइफ में
रेडी होना चाहिए। आप कोई भी रास्ता क्लोज ना करें, ये चीज़ें आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है भी या नहीं भी, बट थर्ड पार्टी से बहुत बड़ी गंभीर चोट खाए हुए हैं। थर्ड पार्टी अभी भी कोशिश कर रही है आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करने की, बट यहाँ पे डेविल एंड हाई प्रिस्टेस। दूसरी बात ये है कि एक एनर्जी की आपके पर्सन के ऊपर स्पेल कर रही है और दूसरी एनर्जी आपके पर्सन को डिवाइन एनर्जी से बचा रही है। डेफिनेटली ये कोई हीलर है, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त किसी भी शुद्ध बोध में तो नहीं है। ये अपना आपा खोए हैं, अपना शुद्ध खोए हुए हैं। इनको खुद पता नहीं चल रहा कि आपके साथ ऐसे क्यों रह रहे हैं। डार्क एंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। चीज़ें हिडन ही रहेंगी, ये कंफ्यूजन वाला गेम चलता रहेगा। आपके पर्सन को कंफ्यूज करने की एनर्जी है, कोशिश थर्ड पार्टी करेंगी। अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो पर्सन डिवोर्स की बात करेंगे, झगड़े होंगे, रिश्ते को एंड करने की बात बोलेंगे। बट थर्ड पार्टी आपके पर्सन को किसी न किसी बहाने से इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली है। क्लैरिफिकेशन की एनर्जी नहीं निकाली हमने, हम निकालेंगे। बहुत एनर्जी आ गई भाई यहाँ पे। मैं इतने कार्ड तो नहीं लूँगी, बट आपको रीड डेफिनेटली कर दूँगी। रिकन्सिलेशन की बात हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक की इन दोनों के रिलेशनशिप में बात हो रही है। नाइन ऑफ पेंटेकल, आप थर्ड पार्टी के बीच फुलफिलमेंट है आपके पर्सन, बट वो सिर्फ नाम के लिए रहेंगे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, बट रहना तो उसको अकेला ही है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक्सटेबल मैरिड रिलेशनशिप में है तो आसान नहीं है भाई इनके लिए। हाँ, डिवोर्स की बात बोलना और डिवोर्स लेना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टेप भी ले लेंगे बट डिवोर्स देंगे नहीं, क्योंकि इनको भी इन चीज़ों का भान होता है कि इनकी समाज में इनकी इनका एक स्टेटस, एक प्रेशर है। सोशल प्रेशर से पर्सन शायद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पे, बात तो होती है यहाँ पे डिवोर्स के, बट होगी या नहीं होगी पता नहीं। देखिए यहाँ पे नाइन ऑफ पेंट्स, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे ट्रस्ट इशू काफ़ी सारे चलने वाले हैं, या फिर ये पर्सन कोई मैरिज के कमिटमेंट आपको लेके, एस ऑफ पैंट्स विथ हेरोफेंट है ना, तो हो सकता है पर्सन किसी ट्रेडिशनल मैरिज के कमिटमेंट आपको दे ये पर्सन, या फिर थर्ड पार्टी को ये पर्सन दे, या फिर आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में मैरिड रिलेशनशिप है। तो कोशिश आपके पर्सन से भी होंगी कि इस रिश्ते को बरकरार रखेंगे, तो कहीं थोड़ा चेंजअप होने के लिए बाहर जाएंगे और शायद वही फिक्स थर्ड पार्टी पोस्ट करेंगे। दोनों में एक आने की एनर्जी है कि दोनों में एक रिश्ते को सुधारने की बात होगी दोनों की छोर से, क्योंकि दोनों अपने अपने परेशानियों को लेकर परेशान मीन्स मजबूर है। बॉर्डर रेडी के यहाँ पे सन ने बच्चे हैं आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी का विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन के साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस लाइफ थर्ड पार्टी की होती है। उसको किसी भी बात के लिए कोई भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसीलिए आपके पर्सन उसके लाइफ में रहनी चाहिए। ये चीज़ें थर्ड पार्टी डेफिनेटली मानती है, हरकतें करती है। इसीलिए अगर मैं ब्लैक मैजिक किया है थर्ड पार्टी ने, जैसे कि मैंने बोला था उस फ्रेंड में, तो इसका इफेक्ट ये होने वाला है कि शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, थर्ड पार्टी के पास जाए। यहाँ पे अगर आपके पर्सन लॉजिकली थॉट कर कर जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की जीत होती हुई मुझे दिख रही है, और अगर आपके पर्सन इफेक्टेड में मुझे ब्लैक मैजिक इफेक्ट में है तब भी आपके लिए बात सही नहीं है। कोई कोई है या यहाँ ऐसा कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, बट यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक तोड़ भी रहा है, इसीलिए आपके पर्सन जो ऐसा कर रहे थे, इनके पर्सन ने इनको कम्प्लीटली डिटैच नहीं किया है, कुछ ना कुछ एक गैप लिया है रिलेशनशिप में, और आपको लगता है शायद ब्रेकअप करके गए। ऐसा नहीं, ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन अब तक समझ गए हैं कि चीज़ें बहुत ही हार्ड एंड टफ है। थर्ड पार्टी जब तक इनके लाइफ में है तो इतना आसान तो नहीं है आपके साथ मिलना, आपके पास आना। द मून के एनर्जी क्यू हेंजल, हेरोफेंट, ये पर्दे के अंदर की बातें हैं,
दिल टूटा है, किसी की विश फुलफिलमेंट के ऊपर पानी गया है, दिल टूटा है। मैरिड रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें हिडन है, सीक्रेट्स है वहाँ पे बहुत, और सीक्रेट्स किसके हैं भाई, थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी की कोशिश तो देखो भाई, इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो थर्ड पार्टी अपने थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन को कन्फ्यूज करने वाली है। किंग ऑफ कप, अगर ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में रहेंगे तो आपके पर्सन बात मान भी लेंगे। सेवन ऑफ हैंड्स, आपके पर्सन को है ना सिर्फ इनका एक सोशल स्टेटस है थर्ड पार्टी के साथ, उनको उसको संभालना है, बस उसको डिफेंस करना है, इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रुकते हैं, क्योंकि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ है। और ऐसे में थर्ड पार्टी की जो कोशिश है कि इस रिलेशनशिप को वापस स्टार्ट करने की, वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। हेरोफेंट की एनर्जी सेवन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे किसी के मैरिड रिलेशनशिप में बहुत सारे धोखे हैं, बिट्रेल है, थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी है, बट आपके पर्सन इतने समझदार होने के बावजूद भी एक ना समझे वाला डिसीजन लेंगे, या फिर आपके पर्सन को ऐसा डिसीजन लेने के लिए थर्ड पार्टी प्रेरित करेंगी। कोई चीटिंग थर्ड पार्टी डेफिनेटली करेंगी कि जिससे आपके पर्सन का उसके साथ रिलेशनशिप आगे जाए, कितनी भी टॉक्सिसिटी क्यों ना इस रिलेशनशिप में वो हट जाए और आपके पर्सन कम्प्लीटली थर्ड पार्टी के इशारे पर चले, करते हुए भी दिख रहे हैं आपके पास। थ्री ऑफ कप को क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, फोर ऑफ सोर्ड्स, बट यहाँ पे सेपरेशन मोड भी दिख रहा है। आपके पर्सन शादी को बचाने के लिए एक्शन करेंगे, बट थर्ड पार्टी की अगर खासियत है बार बार धोखा देना, तो इस बात का आपके पर्सन को बहुत प्रेशर आगे होने वाला है। शायद बातें ऐसी भी होंगी कि थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन के साथ बाहर डेट पे जाती है, घूमने जाती है, और ये पहले तो थर्ड पार्टी चुप कर करती थी, अब थर्ड पार्टी सरेआम जाएंगी कोई ना कोई बहाना देकर। इस बात से आपके पर्सन को बहुत बड़ा स्ट्रेस होने वाला है, हेल्थ इश्यू यहाँ पे किसी का तो होने वाला है। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, सोच समझ कर डिसीजन ले रही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन भी। आपके पर्सन को चाहिए स्टेटस, थर्ड पार्टी को चाहिए स्टेबिलिटी, लग्जरी, तो दोनों अपनी अपनी बातें आगे रखकर इस बात के रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन लेंगे और अपने अपने छोर से रिश्ते को निभाएंगे। नौ ऑफ पेंटेकल को क्लियरिफाई करें एंजल, पैसा तो बहुत उठाने वाले है, थर्ड पार्टी की का ऐसी आदत है कि उसको बाहर घूमना, अच्छे अच्छे जगहों पे घूमना, पार्टी एंजॉय करना, यहाँ पे काफ़ी सारे पैसे बर्बाद कर देना, क्योंकि है भाई अपना बंदा मालदार है तो उड़ाओ, क्या जरूरत है, करो एंजॉय, खुद भी खाओ औरों को खिलाओ, खुद भी पियो औरों को पिलाओ, ये चीज़ थर्ड पार्टी करने वाली है। और आपके पर्सन को ये सब दिखते हैं, आपके पर्सन को ये देखते हुए भी आपके पर्सन उस हालात में लटके हुए, भाई ऐसा तो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं ना जी। ये दूसरी बात ये है कि थर्ड पार्टी सरेआम अपने थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय करती हुई मुझे दिख रही है, और आपके पर्सन डिप्रेशन में और गलत चीज़ों में, गलत सिचुएशन में लटक सकते हैं। फायर पेंटेकल कहना जी क्यों फायर पेंटेकल को क्लियरिफाई कर रहे हैं पे क्वीन ऑफ पेंटेकल, तो थर्ड पार्टी को बस अपने लाइफ में फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़ी है। ग्रीडी बहुत है थर्ड पार्टी। किंग ऑफ सोर्स सेवन ऑफ वैंड्स को क्लियरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्स, जिससे फिर डिफेंसिव हो रहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर और रिश्ते को लेकर, थर्ड पार्टी को ही नहीं बोलूँगी, बट उन दोनों में हमेशा कोल्ड शोल्डर वाला गेम चलता रहेगा आगे भी। जस्टिस को क्लियरिफाई करेंगे, मुझे अब नींद आ रही है, जस्टिस को क्लियरिफाई करें जो, बट अभी मुझे हीलिंग भी है। हाँ जस्टिस देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं इनके, तो जस्टिस आपके लिए भी है कि ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, अदरवाइज ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए थर्ड पार्टी से डिवोर्स चाहते थे, तो किसी की ये बात हो सकती है कि बात डिवोर्स दे भी जाएंगे, डिवोर्स होगा, बट थर्ड पार्टी ना पैसे बहुत मांगने वाले हैं। आप मुझे बार बार यही चीज़ आजकल मेरे ट्रेंडिंग पे आ रही कि थर्ड पार्टी पैसे बहुत ऐटने वाली है आपके पर्सन से। कुछ लाइफ का साइकिल है जो होना बाकी है, कुछ बिजनेस अभी भी फिनिश होना बाकी है, तो यूनिवर्स अपना साइकिल कंप्लीट करने पर मजबूर है और आप इस प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए मजबूर है।
और मैं आपको गाइडेंस देती रहूँगी। और ये जो आपको झेलना हुआ डर है ना, उसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड बना देंगे। अरे हाँ, चीज़ें होती रहती है, क्या इतना लेने का, सीरियसली लेने का इससे। दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन अपने फैमिली को एक चांस देते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप उनका अच्छा होता हुआ दिख रहा है पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप होगा, किसी किसी की पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फैमिली बनाएंगे और किसी की फैमिली एक्सपांड होगी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं मुझे अभी सडनली ऐसा क्यों हो रहा है, खींच के जैसा। मुझे तो लगता है मैंने भी कलेक्टिव एनर्जी पिक कर ली। किसी को नींद आ रही भाई, 2 दिन से यहाँ पे कौन नहीं सो रहा है। मेरी तो लाइफ बिल्कुल सेट है। एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं मिलता गाइस, क्या करें अभी। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लिया। थर्ड पार्टी के साथ फाइनल आउटकम क्या है? आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो विजय शिकुडो देख रहे हैं, इनके पर्सनल थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है? एम्प्रेस सेकेंड कार्ड आया था यहाँ पे, नहीं कार्ड जजमेंट का कार्ड आया था सेकेंड। एंजल में मेरे दर्शकों की भी एनर्जी निकालने वाली, मेरी ना बार बार ये मेरी जो टांग है ना दांतों तले आ रही है, किसको कौन गालियाँ दे रहा है भाई। थर्ड पार्टी की एनर्जी निकाल रही हूँ मैं, किसी के थर्ड पार्टी शायद मुझे गालियाँ दे रही है। नए स्टार्ट की एनर्जी तो आ रही है, फाइनल आउटकम में दिख रहा है, क्योंकि ये तो बहुत ग्रीडी भाई, ये नहीं छोड़ने वाले आपके पर्सन को। हाँ, उन दोनों में मुझे लगता है फाइनल आउटकम में कि ये डेफिनेटली अपने अपने ओर से कोशिश करेंगे दोनों, और दोनों में अगर नो कांटेक्ट कम्युनिकेशन चल रहा है तो बातें होंगी। आपको पहले से ही बोल देती हूँ कि ये चीज़ें होंगी, ओपन माइंडेड होकर आपको देखनी है रीडिंग। क्योंकि देखिए, आपके सामने कार्ड शफल करती हूँ, ऐसा नहीं मैंने शफल करके रखा है और आपको ऐसे रीडिंग देने से मेरा बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं। जो बात आती है अच्छी बात आती है, खुशियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ, खुश हो जाती हूँ। पर बातें बातें अगर वॉन्ड आती हैं तो आपको मैसेज देती हूँ, आपको धीरज देती हूँ, आपको आपको सहारा देने की कोशिश करती हूँ। थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों एक दूसरे को एक एक चांस देने वाले हैं। क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बच्चों की माँ है, तो आपके पर्सन तो ये कोशिश करेंगे, सोच समझ कर यार यहाँ पे डिसीजन होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटेकल, किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, मनी स्टेबिलिटी, खास कर एक्शन होगी यहाँ पे। रिश्ता स्लो होता है इनका, जरूरत के लिए रिश्ता रहता है ये, सिर्फ फैमिली है इनकी, फैमिली मैन है। वर्ल्ड, थर्ड पार्टी इनके बच्चों की माँ है। आपके पर्सन सेक्चुअली बहुत अट्रैक्टेड है थर्ड पार्टी से, मैंने लवर की बात जब देखी थी, शायद इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जाते हैं। जी जजमेंट क्लियरिफाई बाय क्वीन ऑफ पेंटेकल, पैसा बहुत जाने वाला है आपके पास, पानी की तरह पैसा बहाने वाले, क्वीन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी इन दोनों में, शायद वो सॉर्ट हो जाएंगे आगे चलकर। जी हाँ, और थिंग बहुत कर रहे थे और यहाँ पे स्पेल किया जा रहा है आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाए, रिश्ते में नया स्टार्ट हो जाए, स्पेल किए जा रहे हैं। लेट गो नहीं करना चाहती थर्ड पार्टी, क्लैरिटी के नाम पर आपके पर्सन को फिर से मैनिपुलेट करेंगे। माफ़ी मांगेंगे, कोशिश करेंगे,
जो रिश्ता एंड हुआ था उसमें नया स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून एम्परर, आपके पर्सन से पैसे तक ही थर्ड पार्टी से अपना रिश्ता रखेंगे। या तो थर्ड पार्टी से इनका अच्छा खासा फाइनेंस आता है और आपके पर्सन की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बच्चों का एजुकेशन है, करियर है, तो ये थर्ड पार्टी के सहारे आराम से निकल के जाती है। इसलिए आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे आते हैं। बट इन दोनों का रिश्ता ना, जहाँ पे प्यार नहीं आता है, जहाँ पे सिर्फ पैसा है और एक सोचा समझा हुआ एक डील है, एक डील के तौर पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता निभाने का डिसाइड करेंगे। क्योंकि अब शादी हो गई है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, बच्चे हो गए हैं, इनका तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं कहीं भाग नहीं सकता, ऐसी कुछ एनर्जी। और ऐसे में आपके पर्सन आपको मिस भी बहुत करते हैं। थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से इमोशनल सपोर्ट के लिए मायूस होने वाली, क्योंकि आपके पर्सन से कोई इमोशनल फीलिंग थर्ड पार्टी को नहीं जाने वाली। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बताइए जो पेज ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करा है। पेज ऑफ फ्रेंड्स एक्शन दोनों की ओर से होगी। एट ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करा है सेवन ऑफ फ्रेंड्स, जस्ट एक डिफेंस ही होंगे आपके पास से। ये रिश्ता समाज के दिखाने के लिए रहेगा, रिश्ता दिखाने का नाम मात्र। सिक्स ऑफ वही कार्ड दे रहे हैं जो सिक्स ऑफ सोर्स को सिक्स ऑफ सोर्स ही क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ फ्रेंड्स एंड पेज ऑफ पेंटेकल, आपके पर्सन हो सकता है काम के सिलसिले में या फिर जॉब्स के सिलसिले में थर्ड पार्टी से दूर ही रहते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन अगर मैरिड है तो आपके पर्सन या तो इनका काम कहीं और है या तो इनका जॉब कहीं और है, इनका थर्ड पार्टी से हमेशा डिस्टेंस ही रहता है। उन दोनों के रिलेशनशिप में ठहराव बहुत आता है, उन दोनों के रिलेशनशिप में कोई बेसिक फास्ट एक्शन मुझे नहीं दिखती। पेज ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताइए। पेज ऑफ पेंटेकल को क्लियरिफाई कर रहा है चैरियट, बस ये डिसाइड तो आपके पास आने के बारे में ही कर रहे हैं। एम्प्रेस स्टार्ट एम्प्रेस हुई थी, एंड एम्प्रेस तक हुई, इनके एम्प्रेस लाइफ में कोई भी है बट ये एम्प्रेस आपको मानते हैं। ये प्लानिंग कर रहे धीरे धीरे कि आपको आपके पास कैसे आया जाए, ऐसा कौन सा प्लानिंग किया जाए। देखिए मैंने कल परसों भी रीडिंग डाली थी, वहाँ पे मुझे टाइम ही आ ही रहा है कि पर्सन कुछ तो प्लान कर रहे हैं और कुछ तो आने की बात हो रही है, कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। या तो अगर इनके माता जी है, इनके पेरेंट्स हैं, इनके सिबलिंग्स हैं, तो वहाँ तो आपके पर्सन को जिम्मेदारी उनकी उठानी पड़ेगी। बट अब जिम्मेदारी ना गले का बोझ बन गया आपके पर्सन से, और इसीलिए आपके पर्सन वहाँ से भागना बहुत चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आप रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। सोच में पड़ जाती है भाई, मैं भी कैसे जीते हैं आप ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ, कैसे जीते हो। जो माइकल प्लीज आइए। अब हमें ये बताइए कि जो भी दर्शक वो देख रहे हैं तो इनके पर्सन इनके साथ कैसे रहेंगे, मेरे दर्शकों के साथ उनके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम मुझे प्लीज बताइए। कैंसर माइकल हाँ जी, यहाँ तो मेरे तो दर्शक बैठे हैं हरमेट मोड में। टेम्परेंस आइसोलेशन मोड में रखेंगे, ये पर्सन खुद भी रहेंगे आपको भी रखेंगे, बैलेंस करते हुए दिख रहे धीरे धीरे रिलेशनशिप को। मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्ट आपको कर रहे ये पर्सन, यहाँ पे यूनियन तो मुझे दिख रहा है आप दोनों का, और वो भी हारमोनियस और बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती हुई दिख रही मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच।
हेड ऑफ कप। जी हाँ, जिम्मेदारियों से जो पर्सन भाग गया था वो वापिस आ रहा है लाइफ में माफ़ी के साथ। एक टावर मोमेंट आया है क्योंकि उसने ब्रेकअप किया था, भाग गया था, जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया था, क्योंकि उसके लाइफ में दो दो सिचुएशंस थी आपके पर्सन। और शायद आगे का मैं जो फाइनल आउटकम देख रही हूँ, थोड़ा पास्ट भी आ गया यहाँ पे, और फाइनल आउटकम में मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पे टू ऑफ पेंटेकल तो इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो तो आपके पर्सन के लाइफ से रहेगा ही रहेगा। और शायद यही चीज़ें आपको बहुत परेशान, यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटेकल है, बट मेरी नज़र टू ऑफ पेंटेकल के ऊपर ही क्यों गई पता नहीं, बट दो सिचुएशंस है आपके पर्सन के लाइफ में। और वो बोलेंगे इनको उसकी भी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी उठानी, माफ़ी मांगेंगे, गए थे दूर, माफ़ी तो मांगेंगे, आएंगे आपके पास, आएंगे, यूनियन होगा, थोड़ा टाइम अच्छा जाएगा, और उसके बाद अगर ये पर्सन अपना ये डिसीजन सुनाएंगे तो ये डिसीजन आपको तो अच्छा नहीं लगने वाला। आप बोलेंगे ऐसे शीशो की तरह, मैं तो बैठ कर नहीं रहने वाली भाई, हमें कोई पार्टनर नहीं चाहिए लाइफ में शेयर करने के लिए। हरमेट की एनर्जी बताइए एंजल। फोर ऑफ कप, फियर भी है, फियर ऑफ रिजेक्शन है आपके पर्सन को। हाँ ये तो बात है, मुझे देख कर ही पता चल रहा है कि आप नहीं एक्सेप्ट करने वाले इनका कोई व्यक्ति, और आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि ये आपको खो देंगे, आपको ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, इनके प्यार के ऊपर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपने अपने सराउंडिंग बहुत बाउंड्रीज डाल दी है आपके पर्सन को। इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, शायद इतनी मेहनत आपके पर्सन ने कभी किसी के लिए ना की हो, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे, बाउंड्रीज है, या तो सोशल प्रेशर है, या तो कोई रीजनल बाउंड्रीज है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों का रिलीजन अलग है, कुछ तो है भैया यहाँ पे जो आप दोनों में डिफरेंसेस बढ़ा रहा है प्यार होने के बावजूद। मैजिशियन की एनर्जी बताइए मुझे। एस ऑफ पैंट्स, एट ऑफ पेंटेकल। जी, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाना है तो उसके लिए एक्शन भी लेंगे, एफर्ट भी लेंगे, कम्युनिकेशन होगा, फिजिकल यूनियन इस पर्सन का आपसे करना है, मैनिफेस्ट कर रही है पर्सन ऐसा ही कुछ। तो आप कब के एनर्जी, बात ही नहीं हो रही यहाँ पे किसी की, तो कहीं यहाँ पे दिन रात मैनिफेस्ट कर रहा है कि हमारा कम्युनिकेशन हो जाए। तो आपको को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पैंट्स, मिलेंगे, रोमांटिक बातें होंगी, रोमांस होगा यहाँ पे, सेक्सुअलिटी भी रहेंगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, पैशनेट फील करेंगे आप। एट ऑफ कप को क्लैरिफाई करेंगे। या तो ये हुआ है पास्ट में प्यार के बदले में धोखा मिला है और धोखा देकर ये पर्सन भाग गए हैं, इनके मैरिड रिलेशनशिप है या किसी की, या फिर इस पर्सन ने आपको मैरिज कमिटमेंट दी थी और इसी विश के कारण आपने आपके पर्सन के लाइफ में इतनी समस्या होने के बावजूद आपने आपके पर्सन को अपने लाइफ में अलो किया, इनके साथ रिलेशनशिप बनाया, बट आगे चलकर इस प्यार को फिर से धोखा मिल सकता है। इस प्यार को क्या नाम दो, इस प्यार को मैं नाम दूँ धोखा। ये पर्सन भाग सकते हैं, बहाना देंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ख्याल रखेंगे, टाइम देंगे, बट कमिटमेंट नहीं। कमिटमेंट पे नाम पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है, और ये पर्सन भाग सकते हैं जब भी आप शादी की बात बोलेंगे, और फिर वही पेनफुल साइकिल आपको रिलेशनशिप में आएगा। आप बोलो समझेंगे कि भाई मैंने मांगा ही क्या था, जो मेरी विश थी इसके साथ मेरा परिवार बने, इसके साथ मेरी खुशियाँ बने, ये विश आपकी थी, बट ये पूरी कहाँ तक कंप्लीट होगी पता नहीं। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि ये पर्सन जब बार बार जाते थे, ये पर्सन प्यार आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया, बावजूद इसके इस पर्सन ने अपने ही हालात, अपनी सिचुएशन के मद्देनज़र रखते हुए, अपना कंफर्ट जोन देखते हुए, इस पर्सन ने हमेशा इस रिलेशनशिप से आना जाना करा, आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिले, तो हो सकता है ये सिलसिला फ्यूचर में एंड हो जाएगा और आपकी जो विश फुलफिलमेंट है इस पर्सन का प्यार और इससे शादी वो ग्रांट होती हुई दिख रही है। दोनों एनर्जी आ गई यहाँ पे। सिक्स ऑफ पेंटेकल की एनर्जी क्यों नहीं है, सिक्स ऑफ पेंटेकल को क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटेकल एंड पेज ऑफ पैन। रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स जाने वाला है। पेज ऑफ कप की एनर्जी बताएंगे, पेज आपको क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटेकल। जी माफ़ी मिलेंगी, पर बहुत कम शब्दों में मिलेंगे,
खुलेआम खुले दिल से माफ़ी मांगना शायद आपके पास का नेचर नहीं है। और ऐसा नेचर क्यों नहीं होता, जब किसी को बहुत ज़्यादा ईगो होता है, बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, हम जैसे कोई नहीं, हमारे जैसे हम नहीं, ऐसा समझ कर उसी दुनिया को अपनी वर्ल्ड समझने वाले ऐसे ऐसे आपके पर्सन है। और इनसे आप अगर कोई बात ही निकलवाएंगे, इनसे अगर आप कोई माफ़ी निकलवाएंगे, तो ये तो आपको मिलने से रही, क्योंकि इनके वर्ल्ड में भाई यही सब कुछ है। इनको अपनी गलती शायद इतनी लगती भी ना हो, गिल्ट होता है, बट शायद गलती लगती नहीं है, माफ़ी मिलेंगे, बट ये ना के बराबर। टावर की एनर्जी क्यों हैंड है, टावर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे द फुल। ब्रेकअप हुआ था, अगर रिलेशनशिप में आगे भी ये चीज़ें होंगी तो यहाँ पर या फिर सडनली कुछ लॉस एक हैपनिंग होता हुआ दिख रहा है, बैड हैपनिंग होता हुआ दिख रहा है, इससे निभर कर आएंगे ये पर्सन। अगर रिलेशनशिप में अगर चीज़ें होती हैं तो ये पर्सन बहुत ही डेयरिंग बाज होकर आपके रिलेशनशिप को लेकर एक पहल करेंगे, रिस्क उठाएंगे ये पर्सन। टू ऑफ पेंटेकल क्यों है, अरे बाप रे, टावर टावर ही आ रहा है जी। तो थर्ड पार्टी है ऑप्शन से इस पर्सन के लाइफ में, और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है किसी का कि भाई ये थर्ड पार्टी भी चली जाए, कोई फीमेल है जो पावरफुल है, या तो ये फीमेल आपके पर्सन से काफ़ी बड़ी है, घर की बुजुर्ग है, बट कंट्रोल इनके हाथ में है, या तो ये इनका कोई लव रिलेशनशिप है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कि आपके पर्सन के लाइफ से ये सारे ऑप्शन चली जाए। आप टू ऑफ पेंटेकल की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, बट यहाँ पे बर्डन है, लॉस है, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन आपके पर्सन उठाने वाले हैं, या फिर कहीं सफ़र करते हैं तो थोड़ा संभल कर जाइए, कोई कार क्रैश की मुझे संभावना लगती है, फैमिली के ऊपर बर्डन पड़ने वाला है, कोई लॉस हो सकता है जिसके कारण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ बढ़ सकती है, तो थोड़ा अपना फाइनेंस भी संभाले आप, कोई भी बेवकूफ़ वाला डिसीजन ना ले, क्योंकि टावर को क्लैरिफाई यहाँ पे फुल कर रहा था, तो हो सकता है आपका पर्सन का कोई एक डिसीजन आपके रिलेशनशिप को सडन लॉस दे सकता है, गहरा लॉस आपको मिल सकता है, या फिर आपके पर्सन के किसी हरकत के कारण आपके रिलेशनशिप को आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़ सकता है। एंजल की क्या गाइडेंस एक बार देख लेते हैं। एंजल के क्या गाइडेंस आपके लिए देख लेती हूँ। रिमेन पॉजिटिव बोल रहे एंजल, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हेल्थ के किसी के हेल्थ के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है, हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और क्या मैसेज देंगे आप एंजल आप मेरे दर्शकों के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस आस्क फॉर योर आस्क फॉर हेल्प, जी हाँ हमेशा बोलती हूँ, वेल विशर से ही आपको लेनी है, पॉजिटिव रहना है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है नहीं, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव होना है, हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। चिंता करने की आपको वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, भी हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली हैं, तब तक अगर आप किसी के चैरिटी कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये थी मेरे आज की रीडिंग, रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पापा टेक केयर, लव यू ऑल।